सोमवार को उधम सिंह नगर के खटीमा में उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ रुद्रपुर संगठन ने धरना प्रदर्शन किया। इस संगठन के माध्यम से कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग रखी। बता दें, पर्यावरण मित्रों के ईपीएफ खातों में पैसा जमा करने, पुरानी पेंशन को नई पेंशन योजना के तहत मृतक के परिवार को पारिवारिक पेंशन का भुगतान करने सहित मोहल्ला स्वच्छता समिति द्वारा पर्यावरण मित्रों को रखने और उनका पीएफ काटे जाने की मांग को कर्मचारियों ने प्रमुखता से उठाया। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि मांगे पूरी नहीं होती है तो एक सप्ताह के बाद कार्य बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। तो जानना चाहूंगा, जो आपने धरना प्रदर्शन किया है, इसका क्या कारण है? सर, हमारे यहाँ पर ठेका प्रथा चालू की जा रही है और जबकि ठेका प्रथा खत्म हो चुकी है यहाँ पर, और इस दौरान हम बैठे कि स्वच्छता समिति देहरादून में चल रही है जिसमें कि 12,000 रुपये मिलते हैं। हमारे पास मुख्यमंत्री जी का आदेश भी है, तो यहाँ पर स्वच्छता समिति नहीं बनाई जा रही। हम समय समय पर मेयर साहब से कह चुके हैं, ये भारत सिंह जी थे, उनसे भी हमने कहा यहाँ स्वच्छता समिति बनाई जाए और नगर निगम के स्तर से रखा जाए। इन लड़कों को 6,000 में कोई इन लोगों का भला नहीं हो रहा और इन्हें स्वच्छता समिति पर ना रखा जाए ठीक है प्रताप। और सर, हम लोग परमानेंट है, हमारे 3 कर्मचारी खत्म हो चुके हैं, उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है। जबकि काशीपुर में हमारे साथ के लोग जो खत्म हुए थे काशीपुर में, उन्हें नौकरी दे दी गई है। हमने यहाँ पर फाइल दिखाई मेयर साहब को और एमएनए साहब को, इन्होंने यहाँ पर नहीं करा। और सर, कुछ कर्मचारियों की पेंशन का काम है जो कई सालों से नहीं हो रहा है, हमें पेंशन नहीं दी जा रही है। आगे ये धरना प्रदर्शन अब तक कब तक चलेगा आपको? सर, अब तो हमारे लास्ट है, हमने कह दिया है हमारा पहले काम होगा उसके बाद ही हम काम पर जाएंगे। जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तभी तक ये धरना प्रदर्शन। और इनका बहुत साल, मतलब हम कई बार इनको ये लिखित में दे चुके हैं कि आप ये करिए, इन्होंने हमसे कहे, हर बार हमसे कहा गया, आश्वासन दे दिया कि मतलब आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। इस बार हमने ये सोच लिया कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें अपना कर्मचारियों की पूरी मांग पूरी होंगी तभी हम यहाँ से उठेंगे, वरना हम धरना प्रदर्शन हमारा बराबर चलता है।